नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता तौसिफ अहमद की खबर बारसोई से। अनुमंडलीय अस्पताल बारसोई में अंचल पदाधिकारी अमर कुमार राय ने कोरोना वैक्सीन टीका लेने के उपरांत बताया कि वैक्सीन सभी लोगों को लेनी चाहिए, सरकार के द्वारा मुफ्त में दिया जा रहा है। आज लगभग एक दर्जन से अधिक अंचल कर्मी ने भी टीका लगवाया है, सभी लोग स्वस्थ हैं। वहीं इस संबंध में अंचल पदाधिकारी श्री राय ने अपील करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन टीका लगाकर सभी लोग सुरक्षित रहे तथा इसका भरपूर लाभ भी ले। वहीं इस संबंध में चिकित्सक रोहित कुमार ने बताया कि सरकार के द्वारा गाइडलाइन के अनुसार सभी लोगों को टीका लगवाया जा रहा है तथा टीका के उपरांत आधे घंटे तक टीका लेने वाले लोगों को अपने देखरेख में रखा जा रहा है तथा सभी लोग टीका लगाने के उपरांत स्वस्थ होकर अपने घर की ओर जा रहे हैं, इसलिए सभी लोगों को इसका टीका लगवाना। सर, वैक्सीन का टीका लिया है, भी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हमारे जितने भी नाजी बाबू हैं, बड़ा बाबू हैं, सारे लोगों ने लिया, सभी लोग उसी का सब में माहौल है। चलिए, आज हम लोग कोरोना से अब जो है बचाव होगी। और सारे लोगों का यही कहना है कि जिन्हें भी सारे लोगों को वैक्सीन अपना जो है लगा करके सुरक्षित रहें। और क्षेत्र में के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्र में ये बहुत सरकार के द्वारा अच्छा प्रोग्राम है। मैं सारे लोगों से अपील करता हूँ कि कोविड से लड़ाई के लिए अपना वैक्सीन जो है अवश्य लगाएं। सर, कोविड का जो है सुचारू ढंग से टीकाकरण हो रहा है कि नहीं? सर, कोविड का टीकाकरण सुचारू ढंग से हो रहा है राइट फ्रॉम द डे वन। और हम लोग हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, लाइक उनका कोई साइड इफेक्ट ना हो। और AEFI यानी एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इमुनाइजेशन का बहुत प्रयास में, और अभी तक सब कुछ चल रहा है।